हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज ही हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखते हैं। सवाल इस प्रकार है, 20,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब पहले तो हम समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष का समाहार रहता है, दूसरे वर्ष से लगता है। जो परसेंट देनी होती है वो दूसरे साल से लगता है। इस पर तो हम निकालते हैं, पहले तो हम इस परसेंटेज को देख के करते हैं। परसेंट पहले हम 20,000 गुणा 100, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो हम जहाँ पर 100 लिखेंगे बटे में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हम 5 की मल्टीपल प्राइस 2 में करेंगे तो 5 × 2 = 10 हो गया, 10 और 2 जीरो जो हो गया तो कितना आ गया, 1,000 रुपये। ये पहले साल का हो गया। अब हमें 2 साल का निकालना है, 2 वर्ष का निकालना है। तो हम पहले तो एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद 2 लाइन खींच लेंगे, 2 साल का हो जाएगा। ये बिगर फार्मूला के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहले खाने में हम 1 साल का 1,000 रुपये ऐसे लिख लेंगे, दूसरे में भी हम खाने में 1,000 रुपये ऐसे लिख लेंगे। तो हम कह रहे हैं कि पहले साल का तो हमने बताया था कि पहले साल का तो समान रहता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस पर जो हमारा लगेगा वो 10 में 5% है ना, तो ये इस पे लगेगा 5%। अब 5% हम लगा लेंगे, तब कार्य कर लेंगे। 1,000 पर 5% लगाएंगे हम, 100 बटे में लिखेंगे, 2 जीरो 2 जीरो, 5 ढाई, यानी कि कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50। अब हम इसको 1,000 और 1,000 और 50 इसको हम ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 1,000 + 1,000 + 50 कितना हो गया, ये हो गया 2,050 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, सी आई निकल आया। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल इस प्रकार है, देखते हैं, करते हैं इसको भी, यानी कि 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। पहले तो हम 2 वर्ष, पहले तो हमने 2 वर्ष का निकाला था, अब 3 वर्ष का निकालेंगे। और पहले तो हमने बताया कि पहले परसेंटेज पे सॉल्व करते हैं, 4,000 परसेंटेज पर सॉल्व करेंगे, अकाउंट में 100 आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, 4 की 1 से गुणा करके 4 = 4, 2 जीरो है, कितना 400 आ गया। अब हमने बताया कि यहाँ 3 वर्ष का पूछ रहा है, वहाँ 2 वर्ष का पूछ रहा था। तो पहले 1 वर्ष का एक लाइन खींचेंगे, तो दूसरी वर्ष की 2 लाइन खींचेंगे, फिर तीसरी वर्ष की 3 लाइन खींचेंगे। पहले वर्ष में हम 400 लिख देंगे, 400 क्योंकि सेम रहता है पहले वर्ष का, तो समान रहता है। इस पर जो लगेगा वो 10% का 10% लगेगा। तो हम रफ्तार यहाँ लेंगे, 400 पर 10% निकालेंगे हम, 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया, 40 आ गया। तो इस खाने में कितना आ जाएंगे हमारे, 40। अब ये खाना रहा, ये खाना, तो इस खाने का हम डबल लगा देते हैं, इसकी गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 80। यानी पहले साल के ये हो गया, दूसरे साल के ये हो गया, तीसरे साल का निकालते हैं तो इसमें कितना कर देते हैं, गुणा कर देते हैं 2 से, ठीक है, दुगुना कर देते हैं। अब हम इस पर करेंगे, इस पर जो लगेगा तो 10% 40 पर लगेगा, 10% इसको भी तब कार्य करेंगे, 40 × 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 4 बचा। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे, 400 400 आ गया यहाँ पर, 400 400। तो हम इसको ऐड कर देंगे, अब 400 400 400 400 कितना हो गया, 1200 हो गया, 80 हो गया प्लस 4 हो गया, कितना हो गया, 80 और 84 कितना हो गया, 1284। ये हमारे कितना का लिखे लग रहा है, चक्रवर्ती ब्याज हो गया ये हमारा 3 साल का। हेलो गाइस, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।